वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती का स्लिट्स यानी कि नीचे वाला दामन हम बना के बताएंगे डिजाइनिंग वाला। तो उसके लिए ये हमने एक आसमानी कलर का और एक ये मेहरून कलर का फैब्रिक लिया है, दो कलर का मिक्स करके बनाएंगे। तो आप सबसे पहले अपने कुर्ती का प्रिंट देख लीजिएगा, प्रिंट होगा या वर्क होगा उसी के मैच बनाइएगा। तो मेरा दो कलर का फ्लावर इसमें बना हुआ है, तो यही दोनों का मैच हमें बनाना है। और इसका नेक डिज़ाइन हमने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप ये नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए अब इसका दामन में हमें यहीं पे डिज़ाइन बनाना है चाक में, नीचे साइड वाले स्लिट्स में बहुत प्यारी सी डिज़ाइनिंग बनाना है। तो आगे में हमें डिज़ाइनिंग लगाना है इसी में बना के, तो चलिए बनाना आपको बताते हैं। इसमें बनाएंगे नेक में हम मोती भी पल्स भी लगाए हैं, तो ये देखिए नेक बहुत ही खूबसूरत है ये। तो अब चलिए इसके नीचे के लिए हम डिज़ाइनिंग कट करेंगे। तो हम फ्यूज़ पेपर लिए हैं और ये दो कलर का फैब्रिक लिया है। अब इसी दोनों के मैचिंग से हमें बनाना है। तो सबसे पहले फ्यूज़ पेपर को इस तरीके से उड़ेब कट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम इस तरीके से रख लेंगे। रखने के बाद हमें इसमें जितना चौड़ाई आपको लेना है उतना मार्क लगा लीजिएगा। तो मैं 1 इंच से थोड़ा सा कम लूँगी और एक मार्क लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से अब इसको हम कटिंग कर देंगे। तो 2 से 3 हमें इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। तो हम इधर से भी कटिंग कर लेते हैं बराबर करते हुए। तो इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब इसको हम चिपका लेंगे फैब्रिक पे प्रेस की हेल्प से। इसको भी कट करते हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग ये बनेगी, देखने में आपको बिल्कुल रेडीमेड कुर्ती लगेगी। इसको इस टाइप से हम काट देंगे। तो इसको हमने कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये वाले फैब्रिक पे चिपकाना है और प्रेस कर लेना है। तो इसको हम इस टाइप से रखते हुए 2-3 चिपकाएंगे, देख लेंगे इस तरीके से इस पे हम चिपका लेंगे प्रेस की हेल्प से। तो इस पे हम इस तरीके से आयरन कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। फिर हम कुछ इस पे चिपका लेते हैं, साइज बड़ा होगा तो थोड़ा छोटा कर लेंगे कट करके। तो इस पे हम चिपका लेते हैं और आयरन कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमने चिपका लिया है और आयरन कर लिया है, तो देखिए कितने अच्छे से सेट हो गई। अब हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए सब साइड से कट कर लेना है इसको, इस तरीके से हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए सारे फैब्रिक को कट करना है। इसी टाइप से हम सारे को कट कर लेते हैं, अलग अलग तरीके से हमने सारे को कटिंग कर लिए हैं। अब इसको हम 5-5 इंच का सिलने के बाद कटिंग करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से अंदर करते हुए इसको ऐसे मोड़ेंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और साड़ी को बना के बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे, 5-5 इंच का कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ से हम 5 इंच का इसी साइज से साड़ी को कट करेंगे 5-5 इंच का। अब इसको करते हैं फोल्ड यानी कि मोड़ते हैं। तो देखिए इसको अंदर इस टाइप से, इसको इस टाइप से करते हुए
अंदर की तरफ और इसको इस टाइप से, और ये अंदर की तरफ करते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे, तो वो सिलाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अच्छे तरीके से लगाते हैं इस तरीके से। तो साड़ी पे इसी तरीके से सिलाई चला के बना लेते हैं, फिर इसको अंदर की तरफ ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इस पे भी सेम उसी तरह सिलाई लगाएंगे। देखो इसी तरीके से 5-5 इंच का बना लेना है। इसको ऐसे फोल्ड करना है इधर से, फिर इसको इधर से ऐसे, और इस पे सिलाई चलाते जाना है। रेड वाला मेरा पूरा बन चुका है। अब मैं ये आसमानी वाले को बनाती हूँ, तो इसको भी मैं 5-5 इंच कट कर ली हूँ। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे इधर से और इधर से, और इस तरीके से मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। इसी तरीके से साड़ी को बनाते हैं। बन चुके हैं, ये देखिए कितना अच्छा बन गया है, डिजाइनिंग बन चुकी है। अब इसको हम लगाएंगे कैसे, तो वो देखिए, ये हमें लेना है, आपको जितना इंच पे यहाँ पे रखना है उतना इंच पे आप मार्क लगा लीजिएगा यहाँ पे। तो मैं लगाती हूँ 2.5-2.5 इंच पे। तो ये हम 2.5-2.5 इंच पे मार्क हमने लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको लेना है ये यहाँ से, इसको इस टाइप से, इस टाइप से करते हुए इसमें लगाते जाना है। ये तो अब मैं लगाती हूँ यहाँ 2.5 इंच से। इसको इस तरीके से मुड़ाते हुए यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसी टाइप से सबको लगाएं इस तरीके से, फिर ये लेंगे। इसी टाइप से अब क्या करना है, इसके अंदर से एक एक डिजाइनिंग और लगाना है। अब ये सारे को थोड़ा थोड़ा इस टाइप से हमें राउंड में घुमा देना है बैठाते हुए, और इसको सेट करते जाना है। तो ये लेना है और इसको बीच से अंदर की तरफ बीचों बीच डालना है। इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं, बट मैं ऐसे डालूंगी। ये देखिए, और सिलाई ये सब पे लगाते जाएंगे। अब इसके बीचों बीच हम सिलाई लगाते जाते हैं, इस तरीके से अंदर की तरफ डालते जाएंगे बीचों बीच। फिर ये लेंगे, फिर इसमें डालेंगे,
बहुत खूबसूरत डिजाइनिंग लगेगी इसी तरीके से घुमाते हुए बीचों बीच। उसी तरीके से अंदर की तरफ इसको डालना है और फिर इधर से लेते हुए इसको बीचों बीच सिलाई गोल घुमाते हुए लगा देनी है। फिर एक लेंगे इसी टाइप से सारे डिजाइनिंग को सेट करना है। तो ये डिजाइनिंग बन चुकी है। अब हम कुर्तियाँ में सेट कैसे करेंगे तो चलिए वो दिखाते हैं। अब नीचे हम स्लिट्स में कैसे लगाएंगे तो चलिए वो दिखाते हैं। बहुत इजी है बनाना, बहुत प्यारा लगता है पहनने पे और भी खूबसूरत लगेगी। लगाएंगे कैसे तो जहाँ लगाना है उसका पल्ला लेना है आगे वाला, तो ये डिज़ाइनिंग हमें फ्रंट में ही लगानी है। तो मैं फ्रंट का पल्ला लूँगी इस टाइप से और इसके ऊपर मैं इसको डालूँगी इसी टाइप से और सिलाई लगाऊंगी। तो इसके ऊपर चलाएंगे कैसे तो वो देखिए। तो इस तरीके से लेना है और बिल्कुल किनारे से हाफ हाफ इंच दबाते हुए सिलाई को लगा देना है। सब पे सिलाई लगाना है। इसी तरीके से चलाते जाना है। तो ये सिलाई लग चुका है। अब इसको इसका जो पेपर है उसको निकालने से पहले इधर से पलटते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद पेपर निकालेंगे। सिलाई इसके ऊपर से इधर पलटते हुए चला देते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो पेपर है उसको निकाल देते हैं। तो पेपर को कैसे निकालना है तो देखिए इस तरीके से। तो पेपर निकालने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या करते हैं, बैक साइड से भी अब एक पट्टी इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि ये खुलेगी नहीं और फ्रेश दिखेगी। तो इसके ऊपर इसको लगा के सिलाई लगा देते हैं। तो वो देखिए यहाँ से बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। तो पट्टी चढ़ा देंगे को अंदर से लॉक भी कर दिया है। देखिए पीछे से भी कितनी फ्रेश लग रही है। इस तरीके से आप पीछे साइड से भी पट्टी लगा देंगे तो ये बहुत अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा ये स्लिट्स डिजाइन नीचे का दामन का लग रहा है। तो चलिए इस कुर्ती का मैं फुल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये कुर्ती का फाइनल लुक है। ये नेक डिज़ाइन है और ये स्लिट्स नीचे का डिज़ाइन है। ये पहनने पर बहुत खूबसूरत लगेगी। ये एकदम ट्रेंडिंग न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन ये चल रही है, बहुत ट्रेंड में ये डिज़ाइनिंग चल रही है। कलर का फैब्रिक लगाकर आप ये डिज़ाइनिंग बनाएंगे बहुत खूबसूरत लगेगी। मुझे तो ये डिज़ाइनिंग बहुत पसंद है। आप लोग को कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। और ये नेक दिखाती हूँ, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसकी कटिंग स्टिचिंग हमने जो शेयर किया हुआ है, इससे पहले हमने ये वीडियो शेयर किया हुआ है नेक की। तो नेक भी बहुत प्यारी लग रही है, मुझे तो ये नेक बहुत पसंद आई। आप लोग को कैसी लगी? और ये स्लिट्स इसका हमने एंकल लेंथ का पैंट बनाया था मेहरून कलर का, तो हमने मेहरून और फिरोजी दोनों का कॉम्बिनेशन दामन में लगा दिया है। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और डिज़ाइन लेकर। जब तक के लिए बाय बाय।